हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तूफानों से क्या डरना। तो शुरू करते हैं कविता का भावार्थ और कविता का सरल परिचय। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। कविता का सरल अर्थ है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। जीवन में हार और जीत तो होती रहती है, कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। इससे निराश नहीं होना चाहिए, हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करनी चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे। परंतु यह बात तय है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत सवेरा ही होता है। समय सदा एक सा नहीं रहता, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाएं, हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं शब्दार्थ। तूफान आंधी, यहाँ अर्थ उतार चढ़ाव। तुलिका ब्रश, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान अपने को जानना। सत्कर्म अच्छा कार्य, धीरज धैर्य, देह शरीर, महामारी संक्रामक भीष्म रोग। संकलित मूल्यांकन प्रश्न एवं उत्तर, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? उत्तर, हमें धीरज धरना चाहिए क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे? उत्तर, हम आत्मज्ञान का दीप जलाकर अंधेरा दूर करेंगे। सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है? उत्तर, हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसलिए जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। हार पराजय, जीत विजय, छाव छाया, उजाला प्रकाश, अंधेरा अंधकार, रात रजनी, देह शरीर, दीप दीपक। भाषा की ओर, कविता में आए किन्हीं पांच शब्दों की विद्यार्थी शब्द लिखो। नफरत प्यार, अंधेरा उजाला, जीवन मृत्यु, रात दिन, हंसना सोना। यदि समय का चक्र रुक जाए तो जरा चर्चा करो, सोचो विचार करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा, सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, न पेड़ पौधे बढ़ेंगे न जीव जंतु। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा, युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे, न ही सूर्योदय होगा न ही सूर्यास्त होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यह है मौखिक कसौटी। जीवन में रंग कैसे भरोगे? हमें हाथ बढ़ाकर क्या करना चाहिए? इसके बाद में है आकारिक मूल्यांकन। सुनो तो जरा, रेडियो पर ध्यान से भजन सुनो और दोहराओ। वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो, उसका सरल अर्थ बताओ।
अध्ययन कौशल किसी समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। स्वयं अध्ययन चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। विचार मंथन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। लिखो तो सही, साक्षरता अभियान के बारे में लिखो। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन लिखो। खोजबीन भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका बनाओ। भारत में 8:08 AM, 12 noon, दुबई में 6:30 AM, 10:30 AM, सिंगापुर 10:30 AM, 2:30 PM, लंदन में 3:30 AM, 7:30 AM, अमेरिका में 10:30 PM, 2:30 AM, ऑस्ट्रेलिया में 12:30 PM, 4:30 PM। समझो हमें। पंचम अक्षर अणम के अनुसार पतंगों में कुछ उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। अड़ क कंकाल, ख पंख, ग कंगना, घ संघमित्रा, च चंचल, च पंछी, ज जंजाल, झ झंझोड़ना, त अंतिम, थ मंथन, द अंदर, ध गंधर्व, ट घंटा, ठ कंठ, ड डंडा, ढ पंढरी, म चंपारण, फ इम्फाल, ब चंबल, भ अचंभा। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारी सोच को हमेशा हमें पॉजिटिव ही रखनी है। पॉजिटिव रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना नेगेटिविटी हमें दूर खींचती है, हमें हमारी सफलता तक पहुंचने नहीं देती है। इसके लिए पॉजिटिव रहो, अच्छे से रहो। टेक केयर स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।